अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। कल हमने ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा कि हमारे पास ईयर में 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और साथ ही मैंने आपको उसके बता दिया था कि पाथवे क्या होता है एयर पास करने का, कि हमारे नोज से भी एयर आ रही है, कान से भी हवा आ रही है, तो किस तरह से फिर वो जाती है, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो सारा कल हमने देख लिया था उसके स्ट्रक्चर में। आज हम वो प्रोसेस ऑफ हियरिंग को जरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कल जैसे हमने बात की कि पूरा एक्सटर्नल ईयर के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं हियरिंग में, मिडल ईयर के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं हियरिंग में, लेकिन जो इनर ईयर है, इनर ईयर का बस कॉकलिया है जो हियरिंग में इन्वॉल्व है, कॉकलिया। बाकी ये वेस्टिब्यूल और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन हियरिंग। वो हमारी बॉडी के एयर प्रेशर को बैलेंस कर रहे हैं, हमें टिकल करने से बचाते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। पहले हम प्रोसेस ऑफ हियरिंग देखते हैं। जिस तरह से हमने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, हवा आएगी हमारे पिना में, पिना ये बाहर वाला ईयर, बाहर वाला स्ट्रक्चर। पिना से ये हवा जाएगी अंदर की तरफ ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल के अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट हैं, वैक्स प्रेजेंट हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे। और काम क्या है कि जो हवा आ रही है पिना से ऑडिटरी कैनाल में, उस हवा के अंदर जाहिर है डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, उस हवा के अंदर कुछ बैक्टीरियाज भी, वायरसेस भी हो सकते हैं, जाहिर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब पिना ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो वैक्स है उसका काम ये है कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना है, हेयर्स ने भी ये काम करना है, और दूसरा ये काम करना है कि हमारे उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उन्होंने जो हवा आ रही है उसको डैम्पनेस प्रोवाइड करनी है, मॉइस्ट करना है ताकि वो फ्रिक्शन काज ना करे, हमारे कान में रगड़ पैदा ना करे और उसकी वजह से हमारी वॉल डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा उन्होंने काम करना है कि उन्होंने टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस करना है, कि लाइक ठंडी हवा आ रही है बहुत ज्यादा बाहर से, गर्म हवा आ रही है लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो वो टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी ऑडिटरी कैनाल ने काम करना है। इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमें हेयरिंग में हेल्प आउट करते हैं, और अगर वो बाल झड़ जाते हैं टाइम टू टाइम तो फिर इंसान का जो है वो उसको हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। ऑडिटरी कैनाल से फिर हवा टकराएगी ईयर ड्रम के साथ, जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम टिम्पैनम भी देते हैं। अब एयर ड्रम में वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेट करेगा जो ही हवा उसके साथ टकराएगी। अब जो ही हवा एयर ड्रम के साथ टकराएगी, एयर ड्रम से आगे हमने पढ़ा कि 3 बोन स्टार्ट हो जाती हैं मिडल ईयर की, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। अब हवा जाएगी मैलियस में, मैलियस वाइब्रेट करेगा इंकस में, इंकस वाइब्रेट करेगा स्टेपिस में। फिर हमें पता है कि जो स्टेपिस है वो इनर ईयर के साथ कनेक्ट होती है ओवल विंडो के जरिए, हवा जाएगी ओवल विंडो में, ओवल विंडो से फिर हवा आएगी कॉकलिया में, यहां पर फाइनली कॉकलिया फ्लेयर्ड फिल्ड डक्ट है, डक्टेड ऑर्गेन है हमारे पास जिसमें ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने रिसीव करना है हवा जो आ रही है किस तरह से या कैसी आ रही है। कॉकलिया के अंदर वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो उस एयर को सेंस करेंगे कि कैसी हवा आए, फिर वो उस हवा को कॉकलिया जो है वो नर्व के जरिए, कॉकलियर नर्व के जरिए दे देगा ब्रेन को। फिर ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि कैसी साउंड आई है और कैसा रिस्पॉन्स शो करना है, कि जैसे हम इनवॉलंटरी एक्शन शो करते हैं कि कोई हमारे कान में चीख मारेगा तो हम फौरन से जो है वो लड़खड़ा जाएंगे, हम फौरन से इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेंगे, वो रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन शो कर रहा है, इनवॉलंटरी एक्शन है। अब वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, उन सबको कंट्रोल ब्रेन ने करना है, कैसा रिस्पॉन्ड करना है, कैसी आवाज आ रही है, तो वो फिर आगे ब्रेन उसमें रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो एयर पाथवे है, ये होता है प्रोसेस ऑफ हियरिंग। अब होता क्या है कि जिन लोगों में डेफनेस हो जाती है, जिनकी हेयरिंग लॉस हो जाता है, उनमें ये होता है कि उनका एक्चुअली यूस्ट्राचियन ट्यूब जो है, यूस्ट्राचियन ट्यूब जो जिस ट्यूब के जरिए हमारी नेजल कैविटी के साथ कनेक्शन है, उसमें बाजू का इन्फेक्शन हो जाता है,
और वो इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना करवाया जाए तो वो इतना फैल जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन कि हमारे कॉकलिया तक चले जाता है और फिर वो कॉकलिया को इन्फेक्ट करता है और हम सुन नहीं पाते। उसके अलावा हमारा जो ऑर्डिनरी कैनाल ईयर ड्रम है इसके अंदर जो है हमारे पास ज्यादा आवाज की वजह से ये ईयर ड्रम फट जाता है जिसकी वजह से हमारे हेयरिंग लॉस होती है। और ये कुछ फैक्टर्स हैं, या हम बहुत क्वांटिटी चीजें यूज कर रहे हैं, या हमारी चीक्स के ऊपर ब्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे हम जो ही ऊपर मूव करते जाते हैं हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है हील्स की तरफ, तो हमें सुनना भी कम दिखाई देता है। वो इसी वजह से होता है कि जब हवा का प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं उनका तो काम है कि उन्होंने बैलेंस करना है, तो वो इतना फ्लूइड उनके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है कि बॉडी की बैलेंसिंग इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टिम्पैनम वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है और फिर हमें इरेगुलर हियरिंग का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमने कहा कि ये जो हम कहते हैं कि हमारा जो ईयर है ये हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है कि इतना हवा का प्रेशर आ रहा है हमारे नोज से, हवा हमारे आ रही है बॉडी में, कानों से, दोनों कानों से इतनी ज्यादा हवा आ रही है, हम जब साइकिलिंग कर रहे हैं उस दौरान इतना एयर प्रेशर हम फेस करते हैं, तो हम टिकल क्यों नहीं करते, हम गिरते क्यों नहीं है जब इतना एयर प्रेशर है, तो वो किस तरह से एयर बैलेंसिंग करता है। मैंने आपको कल भी बताया कि ये जो इनर ईयर के दो हिस्से हैं वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनका हेयरिंग में इतना रोल प्ले नहीं करते, ये रोल प्ले करते हैं बैलेंसिंग में। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं और जो वेस्टिब्यूल है ये हमारे पोस्चर को बैलेंस करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स हेड को बैलेंस करते हैं, हमारे सर की जो मूवमेंट है, और जो वेस्टिब्यूल है ये हमारे बॉडी पोस्चर, हमारी बॉडी की पोजिशन को बैलेंस करता है। बेसिकली होता क्या है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर होता है एक फ्लूइड, जब एयर का प्रेशर आता है ये जो फ्लूइड है इसके अंदर वाइब्रेशन होती है, जब ये फ्लूइड वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से फिर वो जो एयर का इतना प्रेशर आ रहा है वो एडजस्ट हो जाता है और सेमी सर्कुलर कैनाल और के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिर नर्व्स के जरिए हमारे सेरिब्रम को मैसेज भेजते हैं कि इतना ज्यादा एयर का प्रेशर आया है, फ्लूइड वाइब्रेट किया है, तो वो सेरिब्रम फिर क्या करता है, हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है हाइंड ब्रेन का, फिर वो ये काम करता है कि वो हमारी इस मूवमेंट को हमारे बॉडी के पोस्चर को एडजस्ट कर देता है। तो अगर सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूइड का मसला हो जाए तो ना इतनी वाइब्रेशन होगी, ना सेरिब्रम तक मैसेज जाएगा और ना वो हमारे बॉडी के पोस्चर्स को, जेस्चर्स को मेंटेन करेगा, और ना हमारी बॉडी की जो हेड की मूवमेंट है उसको भी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से जो एयर है हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, हवा के प्रेशर को बैलेंस करता है, ये प्रोसेस ऑफ हियरिंग था। और साथ था कि हमारे पास ईयर कैसे बैलेंस करता है, अब हमने रिसेप्टर्स पढ़ लिए, आई के बारे में भी पढ़ा, उसके डिसऑर्डर्स पढ़े, ईयर के बारे में भी पढ़ा, कल इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेशन की जो सेकंड टाइप है नर्वस कोऑर्डिनेशन थी और दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसको पढ़ना शुरू करेंगे कल से हार्मोन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।